ईद आ रही है और ईद का मतलब है कि दावतें भी साथ साथ आ रही हैं, तो उससे पहले हाउस का रीसेट होना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में हम वही सब कुछ करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं। हम जो है नाश्ता वगैरह करके फ्री हो गए थे और ईद से पहले मैं बस चाह रही थी कि जो घर है वो बिल्कुल सही हो जाए, लाइक यू नो रीसेट हो जाए। तो सबसे पहले मैं रूम में आई थी और बेड वगैरह मैंने सही नहीं किया आज, बस थोड़ी हवा वगैरह लग जाए, यू नो मैट्रेस भी हर टाइम हमारा कवर ही रहता है तो हवा बिल्कुल नहीं लगती। तो बस मैंने बेड थोड़ा झाड़ वगैरह दिया और बाल तो हमारे ऐसे गिरते हैं ना, ये देसियों के देसी क्या, मेरे ख्याल से बाल तो माँ बनने के बाद तो कुछ ज़्यादा ही बाल गिरने लग गए हैं। फिर जी ये कारपेट को रिफ्रेश करने के लिए पाउडर सा होता है, ऊपर मारने से थोड़ी देर पहले अगर ये आप नीचे कर दो ना, तो ये इससे ये है कि कारपेट बहुत फ्रेश हो जाता है। बस मैंने वो कर दिया था और उसके बाद रूम बंद करके तो आई वेंट टू द किचन। मुझे यही था कि मैं किचन सबसे पहले रीसेट कर लूँ, तो बाकी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हो ही जाता है। और आई वॉज सो रेडी फॉर द क्लीन अप, लाइक मैंने ना सुबह नाश्ते में पराठा खाया था कि बहन आज तो सही काम शाम करना है, और स्टार्ट मैंने किया नाश्ते के बर्तन ही समेटने से। बस जी स्टार्ट हमने लिया था फ्रिज से, फ्रिज हमारा बहुत पुराना है तो इग्नोर दैट, लाइक ये हमें इस घर के साथ ही मिला था तो बहुत पुराना सा है, अजीब सा, और ये है भी उल्टा, मज़े की बात ये उल्टा खुलता है, इतनी मुश्किल से इसकी आदत हुई है, और कोई आए ना वो दूसरी साइड से खोलता रहेगा और फ्रिज उल्टा है। खैर हमारा, और ये मेरे पास रिकॉर्डिंग की भी थोड़ी जगह थी तो मैं प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं कर सकी, बट ये जो मैं स्प्रे यूज़ कर रही हूँ ना ये बेबी के लिए होता है, वैसे बेबी की कोई जगह आपने एरिया साफ़ करना होना तो बेसिकली मुझे लगा कि ये फूड के लिए लाइक खाने वाली जगह के ये सिक्योर है, तो इसकी वजह से मैंने फ्रिज के लिए ये वाला स्प्रे यूज किया। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो आई विल लव इट इफ़ यू स्टे, और मेरा नाम रिदा है और बस मैं जो मेरी डेली रूटीन होती है घर में जो काम शाम होते हैं मैं ज़्यादातर उसी से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, और हाँ अगर कुछ हैपनिंग हो जाए लाइफ में तो मैं भी ब्लॉग्स भी बना लेती हूँ। और अगर आप लोगों को ऐसा कंटेंट पसंद है तो आई वुड लव इट इफ़ यू सब्सक्राइब, और आई रियली वॉन्ट कि मेरी जो फ्रिज है ना वो फुल 7 ईयर से हो जाए, जहाँ पे भी जाए बंदा फिल करे। अभी तो इसके ऊपर जो है मोरक्को का लगा हुआ है और स्पेन का भी लगा हुआ है, बट मैं वहाँ पे नहीं गई हुई, ये मेरे शोहर साहब गए हैं तो उन्होंने, मैंने उनको कहा कि आपके पास साल का टाइम है मुझे भी ये दोनों दिखा दें, वरना मैंने ना ये दोनों फ्रिज से उतार देने हैं। तो बस क्लिनिंग करते हैं, सारे कैबिनेट्स वगैरह मैं साफ़ कर रही थी, पहले मैंने वाइप से ट्राई किया बट मुझे उससे बहुत मेहनत लग रही थी, तो स्प्रे और टॉवल से साफ़ करना इट वॉज़ वेरी ईजी। और हमें ना ये घर बहुत अच्छी कंडीशन में मिला था अल्हम्दुलिल्लाह, वरना लंदन में जितने हमने फ्लैट्स देखे ना उनकी बहुत बुरी हालत थी, तो और साथ साथ साफ भी करते रहो ना तो इतना मुझे टाइम नहीं लग रहा था, लाइक जल्दी हो रहा था, और हुड तो मैंने लाइक हफ्ता पहले ही साफ़ किया था तो वो तो बिल्कुल ज़रा सा उसको मारने की कपड़ा मारने की ज़रूरत थी, तो आराम से शो हो रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। बस फिर ये माइक्रो और एयर फ्रायर वाली जगह को मैंने कहा साइड पे करके इसको साफ़ कर लेते हैं, वो मैं कर रही थी। और बाकी ईद आ रही है तो आप लोगों की ईद के क्या प्लान्स हैं आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, अभी तक हमारा तो कुछ फाइनल नहीं हो रहा, मुझे नहीं समझ आ रहा हम ईद पे क्या करेंगे, कभी सोचते हैं ईद के पहले दिन सबकी दावत कर लें, कभी कहते हैं ईद के दूसरे दिन कर लें, पहले दिन हम घूमने जाएँ या दूसरे दिन घूमने जाएँ, अभी कुछ फाइनल नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर उस ऐसा जिस फैमिली वाला इतना सीन नहीं होता, तो हम कोई ना कोई प्लान कर लेते हैं कहीं ना कहीं चले जाते हैं ईद पर, तो एक दिन हम सारी फैमिली का करते हैं, सो अभी नहीं पता कि अभी हम पहला करेंगे दूसरा करेंगे क्या करेंगे, तो ईद कुछ फाइनल नहीं है। और ऊपर से ईद के कपड़ों का भी कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ मौसम भी पता नहीं लगता, एक दिन ठंड एक दिन गर्मी, और अब मुझे लग रहा है ईद पे हमारी शायद बारिश हो रही हो, तो ये भी बड़ा मसला चल रहा है। सलवार के लिए मैंने शॉर्ट्स निकाले हुए थे, अब पता नहीं मेरे ख्याल से अब मुझे नहीं पता वो पहन सकेगा कि नहीं पहन सकेगा, और अपने कपड़े भी मेरे पास थोड़े कैजुअल से ही हैं इस बार। एंड ओ माई गॉड गाइज, मैंने जितनी मुश्किल से ये इस दिन रिकॉर्ड किया था ना, क्योंकि मेरे फ़ोन की मेमोरी का इतना मसला चल रहा है, हर टाइम फुल रहती है, और कुछ मेरे पास ऐसा नहीं था कि मैं डिलीट करूं और फिर मैं रिकॉर्ड करूं, खैर बस बहुत मुश्किल से मैंने किया। अब शुक्र है मुझे मेरे हस्बैंड ने अपग्रेड किया फ़ोन, तो उनका मुझे पुराना फ़ोन मुझे मिल गया, तो थोड़ा उसकी मेमोरी होगी तो मेरा अब गुजारा हो जाएगा।
और जैसे जैसे मेरे ये कपड़े गंदे होते जा रहे थे, मैं इनको मशीन में डालती जा रही थी। एंड में मॉप वगैरह करके सारे मैंने इकट्ठे धो लेने थे। फिर ये सिंक भी मैंने कहा अच्छी तरह से धो लिया जाए, बस इसी को मैं वॉश करके तो इसको कर दूंगी। मैं साथ क्या वॉइस ओवर करूँगा इस टेल में, मैं किस बारे में बात किया करूँ, आप लोगों से क्या बातें किया करूँ, मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि अब मैं क्या साथ साथ, एक एक स्टेप तो बता नहीं सकती, वो तो साथ साथ दिख रहा है क्या हो रहा है। तो डू लेट मी नो मैं क्या बोला करूँ साथ। अच्छा यहाँ पे आई वॉज ट्राइंग कि मैं ना यहाँ पे कुछ लिखूँ बट नहीं लिखा गया। तो बस मैं लिख यहाँ पे ये रही थी कि मुझे प्लीज़ आई एम वेरी क्लोज टू 500 सब्सक्राइबर्स, तो बहुत अच्छा होगा अगर आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे, तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब, थैंक यू। और ये चूल्हा वगैरह जो है ये तो रूटीन के साफ होने वाली ये चीज़ें हैं, तो वो इतना मसला नहीं हुआ मुझे, लाइक इजी था क्लीन करना। आई यूज़ फेरी और साथ में जो है जो ये जो डीग्रीसर का स्प्रे होता है साथ में मैं वो यूज़ कर लेती हूँ चूल्हा साफ करने के लिए। शेल्स के लिए मैं डीग्रीसर से ही साफ करती हूँ। जो ये अवन है इसको मैंने ग्लास स्प्रे से साफ़ कर लिया था क्योंकि उससे मुझे लगता है कि ज़्यादा सही साफ़ होता है। और फिर मेरी थक की हालत ख़राब हो गई थी इतने में ही मैंने अपने लिए चाय बनाई और थोड़ा सा रिलैक्स किया, थोड़ा अपना मी टाइम गुजारा। बस रिलैक्स वगैरह करके आई वेंट टू द रूम क्योंकि वो पाउडर फेंक के भी काफ़ी टाइम हो गया था, तो आई थॉट हूवर मार लिया जाए, बस हूवर वगैरह किया। और जब मैं रूम में गई थी इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी, बस फिर मैंने बेड वगैरह बना लिया क्योंकि घंटे से ऊपर तो हो ही गया था, तो बस बेड वगैरह अच्छे से बना लिया। और मैं बाहर आई तो मेरा शीन का पार्सल आया हुआ था, मैंने अपने घर के लिए स्लीपर्स ऑर्डर किए थे शीन से जो मुझे बहुत क्यूट लगे, और एक अपना स्लीप सूट ऑर्डर किया था स्लीपिंग सूट, वो भी बहुत अच्छा था। और ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो इसको हम बस किचन क्लीनअप तक ही रखते हैं और अगली वीडियो में हम बाकी घर की सफाई करेंगे। और मैंने जो है सलार के लिए एक चॉइस ऑर्डर की और कुछ अपनी क्यूट सी रिंग्स ऑर्डर की, बहुत क्यूट लगी मुझे। और आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, अल्लाह।